अपने शराबी प्रचार की करतूतों से परेशान हैं। शराबी प्रभारी से निजात दिलाने के लिए छात्राओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पत्र लिखा है। छात्राओं का आरोप है कि प्रभारी प्राचार्य मनीष जायसवाल कार्यालय में ही शराब पीते हैं, छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करते हैं। प्रभारी प्राचार्य की इन करतूतों की फोटो भी वायरल हो रही है। छात्राओं की शिकायत के बाद इस मामले में कार्रवाई करते हुए जिला पदाधिकारी दिनेश कुमार राय ने जांच के लिए एक टीम का गठन किया है। वहीं प्रभारी प्राचार्य मनीष जायसवाल अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बता रहे हैं। कुर्सी के लालच की वजह से ये सब मेरे ऊपर कंप्लेन की गई है। इस तरह से कहा जाए रैगिंग लड़कियों को चुन लिया जाता है जो ऑफिस के पक्ष में बोले, और अगर ऑफिस के अगेंस्ट में आप कुछ बोलते हो तो फिर आपको आपका मार्क्स, आपको आपका अटेंडेंस, आपको हर चीज को लेकर के आपको ब्लैकमेल करने का। हम लोगों को बहुत दिनों से मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है और बहुत सारा इन्होंने हम लोगों को डराया है, धमकाया है बहुत लोगों के द्वारा। यहाँ कुछ लड़कियाँ भी इसमें शामिल है सर, और यहाँ की मैम भी शामिल है सर इनके साथ। अभी जीएनएम की छात्राएं आई थी, उनके 5 प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मिली थी आकर के, उन्होंने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और प्राचार्य पर आरोप लगाई हैं, उसकी जांच कराई जाएगी। कार्यालय में शराब पीने की बात आई है प्रकाश में, जैसा कि बच्चियों ने बताई, उन्होंने इस आशय के संदर्भ में एक लिखित आवेदन पत्र भी दिया है। हमारे अधिकारियों के द्वारा इसकी जांच की जाएगी और 2 दिनों में जाँच करके विधि